Hello everyone, here I welcome you all to my YouTube channel. And guys, this is me, your educator Megha. Today we will discuss the previous year questions on the Hello Alkanes and Hello Arenes, that is part 2. Chalo, moving forward, let's move on to the question number 6. 5 questions we already discussed in the part 2. Okay, so question number 6 kya keh raha hai? First of all, we need to be very calm. Question dekhke jaldbazi nahi bachani hai. क्वेश्चन को देखो, समझो एंड देन ट्राई टू सॉल्व. हमें क्या क्या समझना होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है. बेंजीन है, उस पर साइनाइड ग्रुप लगा है, फ्लोरीन लगा है. ओके तो यू नो दैट जो भी कुछ रोल है, एक तो हमें बेंजीन पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा एरीन है और इस पर एक तो हेलोजन लगा हुआ है दैट इज फ्लोरीन और एक लगा हुआ है सी ट्रिपल बॉन्ड एन. ओके तो जब भी कोई ग्रुप लगा होता है तो उसमें बॉन्ड्स अगर हैं तो उन बॉन्डिंग को थोड़ा शो कर लो, है ना. इससे हमें समझ में आने लगता है कि अच्छा यहाँ पे बॉन्ड देखो, अगर मैं इसे ऐसे शो कर लेती हूँ, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वेरी मतलब बिल्कुल रॉ वे बता रही हूँ मैं आपको, जिसको अगर ज़्यादा दिक्कत होती है ऑर्गेनिक में वो बिल्कुल स्ट्रक्चर को इस तरह से ओपन कर ले. जैसे आप ऐसे ओपन करोगे आपको समझ आने लगेगा कि क्या हो रहा है. आपको वैसे समझ आने लगा कि देखो ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड ये सब हमारे रेजोनेंस में हैं और अल्टीमेटली ये रेजोनेंस में क्या कर रहे हैं. When you will look after, तो देखो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. फिर ये हमारा यहाँ पे जा रहा है, ये हमारा यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है. सो बेसिकली देर इज अ डीलोकलाइजेशन. हैंस वी कैन से दैट देर इज अ रेजोनेंस और अ मीजोमेरिक इफेक्ट. कौन सा मीजोमेरिक इफेक्ट है? माइनर्स. बिकॉज ये क्या कर रहा है, हमारी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है बेंजीन रिंग से. सो वी कैन से दैट इट इज डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग. गेटिंग माई पॉइंट? तो डेफिनेटली हमें माइनस एम इफेक्ट दिख गया. आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन है. तो हेलोजन्स जो होते हैं हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं. हेलोजन्स क्या शो करते हैं? ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, ये हेलोजन्स की अलग से एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी. तो अल्टीमेटली जब रेजोनेंस की बात है और इंडक्टिव इफेक्ट की बात है तो हम लोग रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे. मतलब साइनाइड ग्रुप को मेन ग्रुप माना जाएगा क्योंकि साइनाइड की फंक्शनैलिटी ज़्यादा है एंड दिस इज हेलोजन जिसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी. ओके, तो बेसिकली दिस इज आर नंबर 1 कार्बन, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. तो वी कैन कॉल इट दैट ये हमारे पैरा पे लगा हुआ है. गॉट इट? ओके, इतनी बात हमें समझ आई अबाउट दी सब्सिट्यूएंट. अब हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है. वी हैव, मैं इसे भी ओपन करूँगी, दिस इज सी एच थ्री एन एच, दिस इज सी एच थ्री. ओके, सो आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज डायमिथाइल अमीन. ओके, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी तो होगा. हाँ, डेफिनेटली होगा. 5 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं ना नाइट्रोजन के पास. सो दिस इज डायमिथाइल अमीन. ओके, दिस इज सी यू टू ओ, ये क्या है हमारा? कॉपर ऑक्साइड. तो वी अंडरस्टैंड दैट कि डाइमिथाइल अमीन दिस लोन पेयर की वजह से ये हमारा एज अ बेस या एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है बिकॉज दिस इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. अब देखते हैं ये एच पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है या अदर देन एच पॉजिटिव किसी पे अटैक करता है. दिस इज कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर ऑक्साइड इज जस्ट अ सॉल्ट. ये कॉपर का ऑक्साइड है. इसका कोई रोल नहीं है बिकॉज इसमें कहीं पोलैरिटी नहीं है. दिस इज जस्ट अ मेटल का एक ऑक्साइड है तो विच इज़ एक्टिंग एज अ मेटल ऑक्साइड. तो ये हमारा क्योंकि कॉपर का है तो वी अंडरस्टैंड दैट कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल एंड ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं. तो इट माइट बी कि एज अ कुछ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा होगा, है ना. और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर हीटिंग इट एज वेल. तो हीट करने पर जरूर से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे निकल रहे हैं. सो देयर मस्ट बी एन एलिमिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर होल कंपाउंड. कुछ तो एलिमिनेट होना चाहिए क्योंकि हीट कर रहे हो आप. ओके, नाउ वी आर टोटली रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन. समझ रहे हो? तो दिस मस्ट बी अ रॉ वे टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन. अब आप इसे जल्दी से कर सकते हो. जस्ट पॉज द वीडियो, टेक योर कॉल एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए. जल्दी से मुझे आंसर दो. आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिख सकते हो. माना दिस इज नॉट अ लाइव सेशन बट स्टिल फॉर योर सेल्फ, अपने लिए ही सही ऐसा करो. ओके, चलो नाउ लेट मी एक्सप्लेन गाइस. पर मुझे क्या लगा, काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि साइनाइड है तो साइनाइड इज़ अ माइनस एम इफेक्ट. तो माइनस एम इफेक्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग होते हैं. तो ये हमारा जो ग्रुप है ये मेटा पे अटैक करेगा.
सो आंसर मस्ट बी सी. गलत. दिस इज वॉट यूजली स्टूडेंट्स थिंक्स, है ना. मैं नहीं कहती कि आपने सोचा होगा ऐसे, लेकिन जितने भी लोग देखने वाले हैं इस वीडियो को, उसमें से आई हैव, मतलब मुझे पता है कि 60-70% ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक लाइक दैट. यही हम गलती करते हैं. देखो मैंने अभी भी बोला दैट दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेट कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली व्हेन इट इज डीएक्टिवेटिंग, तो यू नो दैट ऑर्थो और पैरा पे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड ओवर दी ऑर्थो एंड पैरा वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज. सो अल्टीमेटली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. ओके अच्छा, सो साइनाइड इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल और फॉर न्यूक्लियोफाइल. साइनाइड इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल. अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो डेफिनेटली वो मेटा पे करेगा. लेकिन हमारे पास क्या है, वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल. क्यों, क्या ये बेस नहीं है? नहीं है. क्यों? क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पे कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं. तो जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो बेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा. एंड न्यूक्लियोफाइल विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, डेफिनेटली अब या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर वो पैरा पे अटैक करेगा. नाउ बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जो हमारा फ्लोरीन है विच कुड बी अ लिविंग ग्रुप, क्योंकि हेलोजन्स लिविंग ग्रुप होते हैं ना, माना पुअर लिविंग ग्रुप है, बट क्योंकि ये हमारा फ्लोरीन है विच कुड बी अ लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि देखो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, इस डेफिशिएंसी क्रिएट होने की वजह से हमारा, जैसे ही यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई इस साइनाइड ग्रुप की वजह से, माइनस एम एफ ए की वजह से, यहाँ पे अटैक कर जाएगा ये हमारा न्यूक्लियोफाइल विच इज एन एम ई टू. ये अटैक कर गया यहाँ पे एन एच एम ई टू. ओके अब जैसे ही अटैक कर गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया. अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वापस अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और वो जो आपका फ्लोरीन एटम लगा हुआ है वो यहाँ से निकल जाएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. आई नो कुछ लोगों के लिए कैलकुलेशन में बहुत लंबा ले गई हूँ, लेकिन मेरा मोटो था आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाना, ताकि किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हमें ना रहे और हमारे माइंड में क्लैरिटी क्रिएट हो कि हाउ वी हैव टू डू दी क्वेश्चंस. सो आई थिंक दिस हैज हेल्प यू, दैट बी मस्ट बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन इन विच यू हैव ओ सी एच टू ओ एच एस ओ सी एल टू इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन हीट, वॉट विल बी द प्रोडक्ट? थाइनिल क्लोराइड. The question, the reaction is definitely from your NCRT. बच्चे बोलते हैं NCRT तो बाइबल है JEE पेपर के लिए. Yes, बाइबल है. देखो NCRT से ही रिएक्शन है ये, कुछ नया नहीं है. But not necessary कि NCRT में यही सेम कंपाउंड दिया हुआ हो, राइट? सो दिस कुड बी डिफरेंट. तो आपको खुद से एनालिसिस करो और समझो. तो अगर आपने रिएक्शन को समझा है तो यू विल बी एबल टू डू कि इस पूरे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा. ओके यू नो दिस इज थाइनिल क्लोराइड. थाइनिल क्लोराइड क्या करता है, हमारे OH को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है एंड हेंस वो निकल जाता है. और जब ये थाइनाइड निकलता है तो इसके पास यहाँ पे क्या है, पिरिडीन. तो पिरिडीन की प्रेजेंस में देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ अ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल. एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होगा. ओके एंड देन वो न्यूक्लियोफाइल हमारा कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन देयर विल बी द मैकेनिज्म विच इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज बाय मॉलिक्यूलर. और SN2 मैकेनिज्म का क्या रोल है, SN2 मैकेनिज्म कहता है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी स्पीशीज है, तो देखो क्या हुआ, दिस इज 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही सब्स्टिट्यूशन है. तो अल्टीमेटली जो हमारा क्लोराइड है जो कि हमारा निकला, वो पीछे से अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. सो इफ आई डिस्कस द होल मैकेनिज्म, देन गाइज होता क्या है कि दिस इज CH2O और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये बन जाएगा हमारा ओ एच एस डबल बॉन्ड ओ एंड दिस विल बी Cl एंड Cl. ओके तो जैसे इस ऑक्सीजन ने इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज. नाउ इन द नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, नाउ अब हमारा क्या होगा, क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा. यस yes, वो तो कर ही देगा. नाउ विच बॉन्ड विल ब्रोकन. हाँ देखो होता क्या है कि वी नो दैट कि ये हमारा, इसने इलेक्ट्रॉन्स हमारे सल्फर को दिए और सल्फर को इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हमारा ये चला गया यहाँ पे एंड वी विल बी गेटिंग नेगेटिव चार्ज ओवर देयर. अब ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बैक कॉन्जुगेशन में आएगा और यहाँ से हमारा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. एंड जैसे ही ये लिविंग ग्रुप हमारा निकला,
तो वी विल बी गेटिंग दिस सी एच टू ओ एस, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड ओ और ये आ गया हमारा सी एल. ठीक है, अब नाउ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था एंड वी वर हैविंग एच पॉजिटिव एज वेल, तो अब ये स्पीशीज़ क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड हेंस ये बन गया ये दिस सी एच टू ओ और दिस विल बी एस डबल बॉन्ड ओ और सी एल. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन एज अ बेस व्हाट विल हैपन, वी नो दैट कि अब देखो अब ये ना हमारा एक बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया. क्यों क्यों कन्वर्ट हो गया, देखो क्योंकि अब जैसे ही ये हमारा यहाँ पे निकलेगा यहाँ पे ओ नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस ओ नेगेटिव विल अंडरगो कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड एंड ये बन गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड. ओके एंड विद दिस और ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो ये जो हमारा क्लोरीन निकला था, ओके यहाँ से हमारा क्या निकला सी एल नेगेटिव और यहाँ से अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला था एच पॉजिटिव, तो इस एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव ने मिलकर बना लिया एच सी एल. बट क्योंकि हमारे पास पिरिडीन दे रखा है, पिरिडीन इज वॉट, इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाओ एंड फिर वहाँ पे आपने क्या कर देना है, दिस इज़ जस्ट अ बेंजीन रिंग एंड यहाँ पे हमारा एंड डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर एंड ये क्या करेगा पिरिडीन जब एच पॉजिटिव ले लेगा तो अगेन वी विल बी गेटिंग सी एल नेगेटिव. अब हमारे पास एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, सो दिस एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड एंड दिस लिविंग ग्रुप विल गेट रिमूव्ड एंड हेंस दिस इज अ एसएन2 मैकेनिज्म. तो देखो अल्टीमेटली सल्फोनिल क्लोराइड का या जो हमारा SOCl2 है इसका मेन रोल यही है कि OH को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके निकलना, और पिरिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या कर रहा है, ये जो हमारा HCl निकला था कहाँ गया वो HCl, ये गया, ये जो हमारा HCl निकला था यहाँ वाला क्लोरीन और यहाँ वाला जो H पॉजिटिव निकला था, तो पिरिडीन ने क्या किया इस HCl को ब्रेक करके हमें एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल दे दिया विच इज Cl नेगेटिव. अब ये Cl नेगेटिव पीछे से अटैक करेगा और ये हमारा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. सो दिस इज एन SN2 मैकेनिज्म, दैट इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन. सो आई थिंक इसमें देखो आपसे कॉन्फिग्रेशन वगैरह तो कुछ पूछा नहीं है, लेकिन इतना समझने के लिए इट्स वेरी अंडरस्टूड कि जो हमारा क्लोरीन है वो यहाँ से ये निकलेगा और Cl नेगेटिव विल अटैक ओवर देयर. तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए. कुछ लोग सोच रहे हैं बी होना चाहिए, इस कार्बन पे अटैक करना चाहिए. क्यों भाई, लिविंग ग्रुप तो यहाँ से निकला है ना, तो SN2 मैकेनिज्म से जिस सेंटर से हमारा लिविंग ग्रुप निकला उसी पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. सो द आंसर विल बी ए. ओके क्वेश्चन नाउ, सो गाइज हेयर इन द एट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज गिवन लाइक कि बी आर सी एच टू सी एच टू का होल ट्वाइस सी एच सी एच थ्री बी आर एंड वी हैव टू ट्रीट दिस विद सी एच थ्री एन एच टू एंड वॉट विल बी द प्रोडक्ट. तो आप देख सकते हो कि जो भी हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं सभी में रिंग बन रही है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक तो रिंग बननी है और सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो हमें ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि ब्रोमीन नहीं है किसी में भी. तो आप थोड़ा सा ना अपने ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हो एंड यू कैन रीच मोर क्लोज टू योर आंसर. तो सिंपल सी बात है, ये ब्रोमीन को हमें रिमूव करना है एंड वी नो दैट ब्रोमीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप. तो डेफिनेटली अगर हमारे पास ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, सो दिस इज ऑल्सो ब्रोमीन, दिस इज ऑल्सो ब्रोमीन, सो लेट मी फर्स्ट एक्सपैंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. तो अगर मैं इसे एक्सपैंड करती हूँ रिएक्शन को, क्योंकि ये कुछ कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए आपको, सो दिस विल बी सी एच टू, सी एच टू का होल ट्वाइस जो यहाँ पे दे रखा है, देन आफ्टर सी एच एंड दिस इज सी एच थ्री एंड दिस विल बी बी आर. ओके सो नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड कि ये दोनों हमारे लिविंग ग्रुप्स हैं. अगर मैं इस लिविंग ग्रुप को हटाऊंगी तो आई विल बी गेटिंग अ वन डिग्री कार्बोकेटाइन, और अगर मैं इस लिविंग ग्रुप को हटाऊंगी तो आई विल बी गेटिंग अ टू डिग्री कार्बोकेटाइन. तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो वन डिग्री बन रहा है या टू डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है. ओके एंड मेरे पास क्या दे रखा है, आई एम गिवन विद सी एच थ्री एन एच टू एज अ न्यूक्लियोफाइल, सो दिस विल बी ऑफकोर्स मैं इसे एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कराऊंगी क्योंकि मेरे पास लिविंग ग्रुप दे रखा है एंड वो मुझे रिमूव करना भी है. सो देर विल बी अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आपके पास या तो वन डिग्री है टू डिग्री है, तो कौन सा मैकेनिज्म करें, पहले SN1 करें या SN2 करें. देखो SN1 तो थ्री डिग्री में ज़्यादा इजीली हो जाता, तो अगर हम SN2 करा ही रहे हैं तो वी मस्ट चूज अ वन डिग्री, है ना. तो अब हमारा क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर ओवर कहाँ गया पेन ओवर दिस एज अ वन डिग्री स्पीशीज एंड यहाँ से हमारा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. सो दिस इज अगेन द SN2 द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन दैट विल अकर. सो अल्टीमेटली हमारा देखो क्या बना, वी विल बी गेटिंग यहाँ पे आया N,
H2 एंड दिस विल बी CH3 एंड ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर रहा है ओवर दिस कार्बन. तो लेट मी गिव दी नंबरिंग ना, मैं ऐसी रैंडम नंबरिंग दे दे रही हूँ, आई एम नॉट कंसिडरिंग दी लॉन्गेस्ट चेन और समथिंग. ठीक है, दिस इज 1, 2, 3, 4, बस मैंने इस चेन को नंबरिंग दे दी सो दैट वी डोंट कन्फ्यूज विद एनी थिंग. सो दिस इज 1, देन आफ्टर 2 कार्बन, देन आफ्टर 3 कार्बन, देन आफ्टर 4 कार्बन. ओके, 4th कार्बन के बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा Br और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा CH3. ओके, सो दिस इज वॉट वी आर हैविंग. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वॉट विल हैपन, अब हमने एक बार तो सब्स्टिट्यूशन करा ही दिया. ओके, नाउ वी नो दैट देर, आई एम सॉरी, नाउ वी नो दैट देर इज अ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल दैट वी आर हैविंग. तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देयर इज अ चांसेस ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यू नो दी SNI मैकेनिज्म, तो SNI मैकेनिज्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अब इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है और ये लिविंग ग्रुप हमारा हट सकता है. सो देयर विल बी द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन नाउ बेसिकली. लेकिन अब आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी नहीं गई है सो यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट. सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें समझ में आ गया है कि इस नाइट्रोजन से लेके यहाँ तक रिंग बन रही है, तो कितना मेंबर रिंग हो गया, 1, देन आफ्टर 2, 3, 4, 5. सो दिस इज अ 5-membered रिंग. येस गाइज, तो हमारे को 5-membered रिंग मिल रही है जिसमें एक हमारा हीट्रो एटम है दैट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो दिस इज अ मिथाइल ग्रुप. एंड ये जो नाइट्रोजन जिस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है दैट इज ये वाला कार्बन, इस पे एक CH3 भी लगा हुआ है. सो आई गॉट माई आंसर, दी आंसर इज सी. ओके, सो दिस वे इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व अ क्वेश्चन. तो बहुत ही सिंपल था गाइज, एंड इन सभी क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन वही है, ये सब NCERT से ही है, लेकिन हमें क्वेश्चंस को करने के लिए भी मस्ट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. ओके, तो मैंने आपको SN1 SN2 का मैकेनिज्म अपने वीडियोज में शेयर किया हुआ है, इंटरनल नहीं किया, इंटरनल भी मैं आपको शेयर कर दूंगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 9, 6-chlorohexane-2-ol को जब हम लोग ट्रीट करते हैं विद NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, द मेजर प्रोडक्ट इज. ओ, ऑप्शन से कुछ भी एनालिसिस करना मुश्किल है. क्यों? देखो, क्योंकि ओपन चेन्स भी हैं, हेलोजन भी शो हो रहा है, किसी में OH लगा दिया है, किसी में रिंग बन रही है, किसी में रिंग में O है, किसी में नहीं है, तो ऑप्शन से कुछ भी एनालिसिस नहीं किया जा सकता. नाउ हमें पता है बस हीट भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट भी हो रहा ही होगा. ठीक है, तो देखो 6-chlorohexane-2-ol, तो पहले 6-chlorohexane, तो यहाँ पे कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल सा दे रखा है, हेक्सेन है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. हेक्सेन में सेकंड पोजीशन पे आपके पास ऑल है एंड 6th पोजीशन पे, दैट इज इफ दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6th पोजीशन पे आपके पास क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है. ओके, सो नाउ व्हेन यू ट्रीट दिस विद NaNH2 और आप इसे ट्रीट करने के बाद व्हेन यू हीट इट, तो NaNH2 करने के बाद क्या होगा, वी नो दैट NaNH2 दिस इज अ व्हाट, Na पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव. तो अगर इसे H पॉजिटिव किसी तरह से मिल गया तो ये बन जाएगा हमारा अमोनिया. सो डेफिनेटली दिस इज अ बेस दैट विल लुक फॉर द एसिडिक प्रोटोन. नाउ विच इज द एसिडिक प्रोटोन, आई डू अंडरस्टैंड कि ये मेरा एसिडिक प्रोटोन है OH, दिस इज अ पोलर OH ग्रुप. ओके, ये हमारा क्या है, पोलर OH ग्रुप है, तो ये यहाँ से हमारा H पॉजिटिव ले लेगा एंड वी विल बी गेटिंग अ O नेगेटिव. तो अल्टीमेटली वेयर आई डू, दिस इज Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे बन गया मेरा O नेगेटिव. समझे क्यों, क्योंकि ये हमारा एसिडिक प्रोटोन था ना, दिस वॉज अ पोलर बॉन्ड, ये निकल गया, O नेगेटिव बन गया. नाउ व्हाट इज द चांसेस, वेरी सिंपल गाइस, आई कैन सी दैट देयर इज अ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल विच इज प्रेजेंट, राइट. देखो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, कहाँ अटैक करेगा, ऑफकोर्स जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा है, तो ये लिविंग ग्रुप है. अगर ये हमारा, अगर जस्ट अ व्हाइल, शिट, अगर ये न्यूक्लियोफाइल हमारा अगर यहाँ पे अटैक करता है तो दिस विल रिमूव. तो देखो कितने मेंबर्ड का रिंग बना, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एंड 6th एटम विल बी द हीट्रो एटम दैट इज ऑक्सीजन. सो आई नो दैट ये मेरा 6th मेंबर्ड का रिंग बनेगा विद ऑक्सीजन. तो जो 5th कार्बन है जिस पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और लगा हुआ है, देखो ये वाला ग्रुप. ओके, सो आई थिंक दिस इज माई आंसर, येस डी इज द आंसर. तो क्वेश्चन को समझो, अब देखो अल्टीमेटली हमने समझ लिया ना, हीट करने पे क्या हो रहा था, लॉस ऑफ अमोनिया हो रहा था. सो दैट वाज अ मेटल, Na मेटल था, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ये आयनिक स्पीशीज है. सो Na NH2 नेगेटिव था,
ओके एंड NH2 नेगेटिव को जैसे ही एच पॉजिटिव मिलेगा वो तो अमोनिया बन के उड़े निकलेगा ना, बिकॉज इट्स अ गैस. सो डी इज द आंसर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज अ मॉलिक्यूल, यू हैव टू ट्रीट इट विद PCl5, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हर बच्चे को पता है कि PCl5 की प्रेजेंस में OH को हटा के Cl लगा दिया जाता है. क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की हाई एफिनिटी है फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हैज वैकेंटी और वाइटल, ये अपना लोन पेयर इसमें दे देगा एंड सो देयरफॉर क्लोरीन हमारा निकल जाएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, एंड देन क्लोरीन एज एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा और ये OH एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो ही गया है क्योंकि इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया है फॉस्फोरस के साथ एंड हेंस वो निकल जाएगा. सो दिस इज वॉट वी ऑलरेडी नो. ठीक है, तो अभी तक कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि फाइनली अब हम क्या करा सकते हैं कि OH को हटा के Cl तो लगना है. तो अपना जो फाइनल आंसर होना है वो क्या होना है? ये वाला Cl होना है. हाँ, क्यों? क्योंकि इट इज फॉलोइंग द SN2 मैकेनिज्म. Cl नेगेटिव ऐसा एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा यहाँ पे और जब वो पीछे से अटैक करेगा तब ऑक्सीजन के साथ जो एक कॉम्प्लेक्स बना है फॉस्फोरस का वो निकलेगा हमारा एज अ लिविंग ग्रुप. तो दिस इज अ SN2 मैकेनिज्म. तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होगा. और देखो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें पूछा गया है S है, R है, या RNS मिक्सचर है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज अ क्लोरोब्यूटेन. तो यस, आपको अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री को नोटिस करना है. तो गाइज ऑफकोर्स देर इज अ इन्वर्जन. तो जो भी इसका कॉन्फिग्रेशन होगा, इसका कॉन्फिग्रेशन और इसका कॉन्फिग्रेशन ऑपोजिट होगा. इसका कॉन्फिग्रेशन जरा एक बार ही फाइंड आउट कर लो. जो क्वेश्चन दिया है उसका क्या है? दिस इज प्रायोरिटी 1, दिस इज प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4. फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज अबव द प्लेन, है ना? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज अबव द प्लेन. तो हम अपने कॉन्फिग्रेशन को उल्टा कर देंगे. देखते रोटेशन क्या है. दिस इज 1, 2, 3 क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज के लिए होता आ रहा है बट ड्यू टू द रीजन कि हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन दिस विल बी एस. ओके, ये एस हो गया. अगर ये एस है तो ये क्या होगा? आर. तो आई थिंक द आंसर मस्ट बी बी, आर 2-chloro-butane. यही होगा ना? हाँ, 2-chloro-butane. 1, 2, 3, 4 एंड यस, आर 2-chloro-butane. सो गाइज, दिस वे यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. सो आई विल कीप अपलोडिंग मोर वीडियोज फॉर यू एंड सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट फर्दर वीडियोज. गाइज, बेल आइकन प्रेस कर दो सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड जैसे वीडियो आए वैसे ही 15-20 मिनट निकाल के आप उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लो. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हर रोज सॉल्व करें सो दैट हमारी प्रैक्टिस होती रहे एंड जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज होते रहेंगे तो हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे. ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक में रटने जैसा नहीं होता है. ओके, सो प्लीज डोंट ट्राई टू क्रैम एनीथिंग. सो आई होप यू विल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गाइज प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो. होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस. बाय, टेक केयर.